और कितना गिरेंगे, कितने घटिया हरकतें इन्होंने की हैं, इससे ज्यादा घटिया होने के लिए क्या रह गया है। ये वही लोग हैं जो मुमताज कादरी जैसे खूनी को, जिसने सलमान तासीर साहब को मार डाला, उसका मजार बना दिया। हालांकि उसके कब्र पे तो इनको जाके थूकना चाहिए था उस आदमी के ऊपर, जो मुमताज कादरी जैसे खबीस लोग यहाँ पे रहते हैं या मरे हैं यहाँ पे। और इसी तरीके से जो खादिम हुसैन रिजवी था, वो भी इसी तरह के जहर फैलाया करता था, उसके ऊपर भी मैं तो 100 दफा लानत भेजती हूँ उस तरह के मौलवियों पे। इन मदरसों को भी बंद होना चाहिए, मौलवियों को भी फांसी लटका देना चाहिए। एक दो को चौक पे लटकाएंगे, ये सब सही हो जाएंगे। लेकिन आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, दोस्तों तालिबान पाकिस्तानियों का बाप है, इस बात में तो कोई शक नहीं है, क्योंकि समय समय पर पाकिस्तानी इस चीज का एहसास करवाते रहते हैं। और जब से तालिबान अफगानिस्तान पर हावी हुआ है, तभी से पाकिस्तान में इसका असर दिखना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों पाकिस्तान के जश्न आजादी के दिन यानी कि 14 अगस्त को एक लड़की को पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान नामक जगह पर उछाला जाता है और उसके साथ गंदी हरकतें की जाती हैं। तो इस वाक्य पर पाक न्यूज रिपोर्टर आरजू काजमी ने ऐसी सोच रखने वालों को जमकर लताड़ा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन वीडियो, और ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम। जी 14 अगस्त के दिन एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया। वहाँ पे एक लड़की गई थी जो कि एक टिकटॉकर भी थी घूमने के लिए, और उसके ऊपर जो है एक दो नहीं 400 आदमियों ने उसके ऊपर अटैक किया। उसको हाथों में उछालते रहे लेकर, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके साथ हर तरह की बदतमीजी की, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक बात है और बहुत डिस्टर्बिंग किस्म की न्यूज है ये। और जी ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद। ये बात मैंने बहुत बार अपने चैनल पे भी कही है, बहुत बार इंडियन चैनल पे भी कही है, हर जगह मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा 60-70% ऐसे हो गए हैं जो कि तालिबान माइंडसेट के हैं, जिनका ये कहना है कि कोई भी लड़की या कोई भी फीमेल जो है घर से बाहर ना निकले, कहीं ना जाए, जबकि उस लड़की ने बिल्कुल ठीक ठाक शलवार कमीज और फुल ड्रेस पहना हुआ था, और अगर ना भी पहना होता, वो जीन्स या स्कर्ट में भी होती, तो ये होते कौन है कि उसको इस तरह से डराएं, धमकाएं, उसको गलत तरीके से टच करें या उसको कोई भी तरह का उसके साथ गलत बिहेवियर शो करें। एक दो नहीं, ये 400 आदमी थे। आप सोचें कि 400 आदमी चाहते क्या है ये, कि जो लेडीज हैं वो घर के अंदर बैठी रहें, बाहर ना निकले, कहीं बाहर ना जाएं, वरना ये इस तरह से उनको भूखे भेड़िए की तरह उसको नोच के खा जाएंगे, कपड़े फाड़ देंगे। क्या किस तरह का माहौल हम बना रहे हैं पाकिस्तान में, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं हम? पाकिस्तान को बद से बदतर हालात में जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हारना नहीं है, हमने रुकना नहीं है, हमने हारना नहीं है, हमने इन लोगों को बताना है कि हमारे यहाँ की लेडीज बाहर भी निकलेंगी, अपनी मर्जी के कपड़े भी पहनेंगी, अपनी मर्जी के काम भी करेंगी, जॉब पे भी जाएंगी, पढ़ाई भी करेंगी, अपनी मर्जी की बात भी करेंगी। ये कभी भी हमें नहीं रोक सकते, अगर ये कुछ कर सकते हैं तो करके देख लें। और कितना गिरेंगे, कितने घटिया हरकतें इन्होंने की हैं, इससे ज्यादा घटिया होने के लिए क्या रह गया है। ये वही लोग हैं जो मुमताज कादरी जैसे खूनी को, जिसने सलमान तासीर साहब को मार डाला, उसका मजार बना दिया। हालांकि उसके कब्र पे तो इनको जाके थूकना चाहिए था उस आदमी के ऊपर, जो मुमताज कादरी जैसे खबीस लोग यहाँ पे रहते हैं या मरे हैं यहाँ पे। और इसी तरीके से जो खादिम हुसैन रिजवी था, वो भी इसी तरह के जहर फैलाया करता था, उसके ऊपर भी मैं तो 100 दफा लानत भेजती हूँ उस तरह के मौलवियों पे। इन मदरसों को भी बंद होना चाहिए, मौलवियों को भी फांसी लटका देना चाहिए। एक दो को चौक पे लटकाएंगे, ये सब सही हो जाएंगे। लेकिन अभी जो लाहौर में जो कुछ हुआ है, जिस तरह से मीनारे पाकिस्तान पे जिन लोगों ने ये हरकतें की हैं, इनको चाहिए कि फौरी तौर पर उनको अरेस्ट करें और उसके बाद उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें। सबसे ज्यादा कुछ नहीं तो 10-20 साल के लिए इनको जेलों में डाल दें। और ये जरूर देखें, कैमरे में पिक्चर्स बनी हुई हैं, वीडियोस मौजूद हैं, और ये किसी तरीके से बचने नहीं चाहिए। इनके चेहरे सामने हैं, इनकी हरकतें सामने हैं,
वो लड़की, उसको मैं सल्यूट करती हूँ कि वो अभी बाहर आई, उसने FIR कटवाई, उसने एक नहीं 400 लोगों के खिलाफ FIR कटवाई। वो बेचारी लोगों को इंटरव्यूज भी दे रही है, लोगों से बात भी कर रहे हैं, वो कैमरे को आज भी फेस कर रही है। वो उसको चाहिए मजबूती से खड़ी रहे। ये यही तो चाहते हैं कि जब ये इस तरह का मिसबिहेव करे पाकिस्तान में फीमेल्स के साथ, तो फीमेल्स डर के घर बैठ जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। कोई फीमेल भी इनसे नहीं डरेगी और ना ही ये तालिबानी निज़ाम यहाँ पे ला सकते हैं। इमरान खान साहब ने भी सुना है कि जी कहा गया है, टीवी पर भी आ रहा था कि जी उन्होंने नोटिस ले लिया है, इमरान खान ने नोटिस ले लिया है। साथ ही इमरान खान ने अपनी टीम को कह दिया है कि जी जितने लोग थे इनको अरेस्ट किया जाए, लेकिन अरेस्ट तो इन्होंने एहसानुल्लाह एहसान को भी किया था, अरेस्ट से पहले ये बहुत लोगों को कर चुके हैं, लेकिन कहाँ गए? अरेस्ट तो उनको भी करते हैं जो मंदिर तोड़ देते हैं, अरेस्ट तो उनको भी करते हैं जो माइनॉरिटी की जो बच्चियां हैं उनको उठा के ले जाते हैं दिखावे के लिए, उनके ऊपर भी एक्शन थोड़ा बहुत करते हैं। साथ साथ ये जिस तरीके से जो यहाँ पे दूसरी कौमें रहती हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी रहता है, उनकी जो ख्वातीन है, उनकी लेडीज़ को जब यहाँ पे हैरेस किया जाता है, परेशान किया जाता है, कुछ देर के लिए एक्शन उस पर भी हो जाता है, लेकिन फिर आगे क्या? आप उनको कोई सजा नहीं देते। आप जैसे ही 10-12 दिन निकलते हैं, आप उन लोगों को जेलों में से छोड़ देते हैं। वो लोग जिन्होंने ये सारी बदतमीजियां की मीनारे पाकिस्तान पे, वो आज भी अपने घर में आराम से बैठे हैं। अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए कुछ लोगों को पकड़ लेंगे, उसको एक एक करके फिर आप दोबारा छोड़ देंगे, कहाँ है वो कातिल जिन्होंने मशाल खान को मारा था, जो पेशावर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, किस तरीके से, किस बेदर्दी से उसको मारा गया था? हर वीडियो मौजूद है, हर पिक्चर मौजूद है, जिसमें उसके सर के ऊपर गमले तक उठा के फेंके जा रहे हैं, किस बेदर्दी से उसको मार दिया और सब खड़े देखते रहे, किसी ने उसको बचाने की कोशिश नहीं की, किसी ने आगे बढ़ के किसी को नहीं रोका कि ये मत करो। उसका जो टीचर, जो एक अकलौता उसका टीचर जो उसका साथ दे रहा था, उसको पाकिस्तान से भाग के अमेरिका जाना पड़ा। किस लिए? इसीलिए क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा था। अभी ये जो लोग हैं, जो आपने 400 लोगों का सुना के उन लोगों ने इस लड़की के साथ बदतमीजी की, एक एक करके फिर इनको छोड़ दिया जाएगा और फिर ये लोग दोबारा से वही हरकत दोबारा दोहराएंगे और फिर दोबारा आराम से घूमे फिरेंगे और आपने कितना बुरा इंप्रेशन दुनिया पे छोड़ा है। पाकिस्तान को इस चीज से निकलना पड़ेगा और पाकिस्तान को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उसके लिए हमारे जैसे एक्टिविस्ट हैं, हमारे जैसे जर्नलिस्ट हैं, बल्कि जैसे मैंने पहले कहा, हमसे बेहतर लोग मौजूद हैं, वो आगे बढ़ें, वो बात करें और हम भी उनके साथ देंगे, हर तरह से उनका साथ देंगे। इस चीज़ को रोकना होगा। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें उसकी हिफाजत करनी है, हमें उसको